क्या हाल है एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस। आज आ चुके हैं वापसी से एक और न्यू ट्रैवल व्लॉग लेके। और गाइस जैसा कि मैंने आपको जामवती वाली वीडियो में बताया था कि अब यहाँ से जितनी भी वीडियो आएगी वो सारी ट्रैवल व्लॉगिंग और एक बढ़िया प्लेसेस की वीडियो आएगी, इसलिए मैं आज आ चुका हूँ कुतुब मीनार। बढ़िया से बढ़िया मोन्यूमेंट में आ चुका हूँ। देख लो सामने कुतुब मीनार, देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, सनसेट भी है अभी। और गाइस यहाँ अगर आप भी आना चाहो आपको इसका नियर मेट्रो पड़ेगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार से वहाँ से ऑटो करके आना पड़ेगा आपको, फिर आप आओगे यहाँ और टिकट काउंटर आपको पीछे देखने को मिल जाएगा। बाकी इस जगह के बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं और ये दिल्ली का ये सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है। बाकी चलो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो मिलते हैं डायरेक्ट ब्लॉग में। आप लोग भी कुतुब मीनार की मेन एंट्रेंस पे आओगे तो आपको कुछ इस तरीके की भीड़ देखने को मिलेगी। और आप लोग को भी टिकट काउंटर अगर नहीं पता तो आपको मेन एंट्रेंस के सामने आपको टिकट काउंटर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग को भी टिकट प्राइस नहीं पता तो इसका टिकट प्राइस 40 रुपए, और कोई ऑनलाइन कटवाना चाहे तो उसका प्राइस 35 रुपए, और कोई फॉरन कंट्री से आता तो उसका प्राइस 600 रुपए, और ऑनलाइन कटवाना चाहे तो उसका 550। और साथ ही में आप लोगों को यहाँ क्लॉक रूम भी देखने को मिल जाएगा, उसका प्राइस 2 रुपए। सबसे जरूरी बात, यहाँ बैग अलाउड नहीं है तो इसलिए आप लोगों को अपना बैग क्लॉक रूम में रखना पड़ेगा, इसका प्राइस 2 रुपए। और इसके साथ आपको पर्ची मिलेगी। अगर आप लोग ऑफलाइन टिकट कटवाते हो और उसका टोकन खो गया तो आप लोगों को 100 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो काफी देर इंतजार करने के बाद फाइनली हमारी एंट्री हो जाती है। जब हमारी एंट्री होती है तब सामने इतना प्यारा व्यू आता है जिसको देखने के बाद मेरे दिल से बहुत अच्छी आवाजें निकलती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते तब यहाँ पर हमें एक बोर्ड देखने को मिल जाता है जिसपे लिखा होता है कि इस तरफ में मुगल गार्डन है और जिस जगह पे अभी हमें इस जगह पे मुगल सराय और मुगल मस्जिद है। गाइस जब हम लोग कुतुब मीनार के इर्द गिर्द आ जाते हैं तब यहाँ पर हमें कुतुब मीनार का मैप देखने को मिल जाता है जिसपे कुतुब मीनार की सारी डिटेल लिखी होती है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। गाइस यहाँ पर कुतुब कॉम्प्लेक्स के आर्किटेक्चर और अदर मोन्यूमेंट्स के आर्किटेक्चर की डिटेल दी गई है और इस बोर्ड पे वो सारी बातें लिखी हुई जो कुतुब मीनार के अंदर अभी स्थित है। गाइस इस बोर्ड पे ये लिखा हुआ कि इस तरफ में कुवतुल इस्लाम और अलाई दरवाजा और इमाम जमीन का मकबरा है। अभी हम लोग आ चुके हैं अलाई दरवाजा के सामने और इस दरवाजे को 1311 में बनाया गया था और ये कुवतुल इस्लाम के दक्षिण की ओर में और ये काफी ज्यादा बड़ा है। और इसके साथ आपको इसका एक बोर्ड देखने को मिल जाएगा जिसपे इसकी सारी डिटेल है। सबसे जरूरी बात, ये पूरे स्टेयर्स जो आपको नजर आ रही है सारे के सारे लकड़ी के बने हुए थे। और यहाँ भी आपको इस तरीके से गार्डन मिल जाएंगे जिसमें आपको बहुत सारे कपल्स फैमिली नजर आ जाएंगे, जैसे कि देख लो सामने में बैठे हुए कपल्स काफी ज्यादा। और इसमें हिमायूं टॉम या और भी प्लेस से बहुत ज्यादा भीड़ है, इसको भी देख सकते हैं, ये बहुत बड़े प्लेस है। जैसे कि देखो सामने भी बहुत ज्यादा, यहाँ काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। अभी आज मंडे का दिन है फिर भी बहुत ज़्यादा लोग हैं इस जगह पर। बाकी यहाँ भी अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल प्लेस है तो अच्छा तो लगेगा ही। और यहाँ से भी देखो व्यू कितना प्यारा आ रहा है गाइस, चेक करो ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये मस्जिद है, अलाई दरवाज़ा ये। बाकी इस तरफ में भी देख लो पूरे गार्डन से और सामने एक प्लेन जा रहा है अभी। गाइज इस बोर्ड पे लिखा हुआ खलजी मदरसा और खलजी टॉम जो कि आप लोगों को सामने देखने को मिल जाएगा, अभी वहाँ भी जाएंगे। गाइज अभी हम जा रहे हैं खलजी टॉम, सामने खलजी टॉम है और खलजी मदरसा भी। जैसे कि देखो सामने यहाँ से एंटर होते ही खलजी टॉम और खलजी मदरसा आपको देखने को मिले। ये सारे अभी आधे आधे बन के रह गए थे क्योंकि देखो पूरा खलजी ये भी आधा ही बन के रह गया था। बाकी इसे भी देख लो, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देख लो प्यारा व्यू आ रहा है इधर से भी। बाकी चेक करो इस तरफ में भी गार्डन्स है, हर जगह जगह पे गार्डन दे रखे हैं। चलते हैं थोड़ा सा इसके अंदर, सारे स्ट्रक्चर आधे आधे रह के बन के। अगर आप लोग जेन्युइन फोटो क्लिक करवाना चाहते हो तो यहाँ पर खड़े होकर बिल्कुल बढ़िया फोटो आप लोग क्लिक करवा सकते हो। यहाँ भी बहुत ही प्यारा लुक आएगा और राजस्थान वाली फीलिंग आएगी यहाँ। यहाँ पर इल्तुतमिश के मकबरे की थोड़ी सी डिटेल दी गई हुई कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ सुल्तान शमशीरुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद थे और यह मकबरा उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में अपने सबसे बड़े पुत्र के मकबरे सुल्तान गढ़ी के निर्माण के 5 साल बाद सन 1235 में बनवाया था।
और मकबरे के मुख्य कक्ष लगभग 9 मीटर हैं। इसके मध्य में संगमरमर से स्थित कब्र है। गाइस ये है इल्तुतमिश का मकबरा और इसे देखो, संगमरमर से इसे पूरा बढ़िया से तामीर किया गया है। ये कब्र जिस जगह पे है उस जगह को भी बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है, जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा। देखो कितने बड़े तरीके से डिजाइन किया गया है और इसके भी दीवारों पे हर जगह पे आयत लिखी हुई है कुरान की। गाइस ये है इल्तुतमिश के मकबरे की थोड़ी सी बाहर की फुटेज, बाकी इसको भी देखो बाहर से भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाया गया है। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं खलजी द्वार के पास और यहाँ पर आपको कुतुब मीनार की तरह एक खलजी मीनार देखने को मिल जाएगा, जिसको अलाउद्दीन खलजी ने बनवाया था और इसको कुतुब मीनार से वो ज़्यादा बड़ा बनवाना चाहते थे और चौड़ाई भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये आधा ही बन के रह चुका है और ये कुतुब मीनार के ठीक सामने है। आइए इसको थोड़ा सा पास से देखते हैं। गाइज यहाँ पर भी आपको ऐसे इस तरीके के गार्डन मिल जाएंगे जो कि बंद है कपल्स के चक्कर में। देखो जैसे सामने में कुछ कपल्स बैठे हुए हैं, वो देखो हल्के हल्के रास्तों पे बैठे हुए, और इस तरफ में भी आपको बहुत सारे कपल्स देखने को मिल जाएंगे। गाइज यहाँ पर एक कुआं था जिसको अभी बंद कर दिया गया, देख लो ऊपर से जाल लगा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पहले लोग जाके फोटो शूट करवाते थे और इसी इशू में इसको बंद कर दिया गया। कुतुब मीनार की दीवारों पे भी कुरान की आयत लिखी हुई है, जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, और इसकी दीवारों पे जो आयत लिखी हुई है उसमें थोड़ा सा गैप दे रखा है। बाकी आप लोगों को शायद पता ही होगा कि कुतुब मीनार का दरवाज़ा क्यों बंद रहता है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुतुब मीनार का दरवाज़ा इसलिए बंद रहता है क्योंकि 4 दिसंबर 1984 में इस पर 400 लोग चढ़े हुए थे और इसका जीना ऐसा है कि एक बारी में एक ही लोग जा सकते हैं, फिर भी इसकी जो लाइट चलती है वो सारी इलेक्ट्रिसिटी जलती थी और इसमें जो भी 400 लोग थे उसमें से आधे ज़्यादा स्कूल के बच्चे थे और वो लाइट अचानक से कट जाती, जिसके चक्कर में जीने पे भगदड़ मच जाती है, सब डर जाते हैं। इस चक्कर में 45 बच्चों की डेथ हो जाती है। उस टाइम से लेकर अब तक इसका दरवाज़ा बंद है। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक्सिट देखो सामने हो रहा एक्सिट, और बाकी चलो इंशाल्लाह आप धीरे धीरे ऐसी न्यू ट्रैवल व्लॉग और बड़े प्लेसेस की वीडियो लाते रहेंगे। अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। गुड बाय बाय।